तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे लिनक्स वर्सेस क्लाउड, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हो, चाहे AWS का क्लाउड हो, अलीबाबा क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो, या फिर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं लिनक्स या लाइनक्स के बारे में, कि इन दोनों में कौन सा बेटर है और कौन सा आप कर सकते हो। तो देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, लिनक्स की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत दिनों से चली आ रही है और बहुत सारे सर्वर्स इस पे काम करते हैं। आज भी लिनक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं पे अगर दूसरे एंड पे मैं बात करूँ क्लाउड सर्वर की, तो क्लाउड सर्वर एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट एक न्यू टेक्नोलॉजी है, हालांकि काफ़ी दिनों से चल रही है बट अभी तक ये न्यू टेक्नोलॉजी है। और इसमें भी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है और कमिंग फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी देखो होता क्या कि जब हम लोग किसी क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, अगर आप सपोज लिनक्स सीखते हो, लिनक्स सीखने के बाद लिनक्स का बेसिकली वर्क स्ट्रक्चर समझते हैं कि वर्क स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कंपनी में क्या होता है कि कई एप्लीकेशंस यूज होते हैं। एप्लीकेशन अब UI इंटरफेस में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि google.com, एक फॉर सपोज मैं बात करता हूँ google.com, वो आपको एक UI इंटरफेस में देखने को मिलता है जो कि एक यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन इसके बैकएंड पे जो कोडिंग हो रखी होती है, जो बैकएंड इसको मैनेज करता है, तो वो काम होता है लिनक्स बेस, मोस्टली लिनक्स बेस होता है, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू विंडोज सर्वर। तो इसलिए कंपनीज बहुत ज़्यादा आपको लिनक्स प्रिफर करती हैं, आपके लिए लिनक्स बोलती हैं कि आप लिनक्स करो। इसके बाद दोस्तों होता है कि जो लिनक्स सर्वर्स होते हैं ना, वो यूजर इंटरफेस से बहुत अलग होते हैं। आपको अगर कोई डेटा कॉपी करना है आपको कमांड के थ्रू करना है, कुछ पेस्ट करना है आपको कमांड के थ्रू, कुछ रिनेम करना है आपको कमांड के थ्रू, मतलब जो भी करना है आपको कमांड के थ्रू ही करना है। एक तरीके से समझ लो कि आपकी वो कोडिंग की जॉब हो गई, मतलब ऑलमोस्ट एक तरीके से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब हो जाती है जब आप लिनक्स बेस पे ज्वाइन करते हो। कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लिनक्स प्रोफाइल में जा सकते हो, इनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और बट इसमें क्या है कि आप सोचते हो कि ना कि जैसे आप कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रिनेम करना है, तो बहुत सारी कमांड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जब जब आपको एक्सपीरियंस होता है और आप वो चीज़ें करते रहते हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वो आप सारी चीज़ें सीख जाते हो। वहीं पे सेकेंड हैंड पे मैं बात करूँ एक क्लाउड टेक्नोलॉजी की। क्लाउड क्या है कि जो डेटा है आपका वो टोटली क्लाउड पे सेव होता है। तो अगर मैं जहाँ तक यहाँ बात करूँ जो AWS का क्लाउड सर्वर है, अमेजन वेब सर्विस का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लिनक्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको लिनक्स भी उस चीज़ में सीखना पड़ता है। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है तो उसमें क्या होता है कि आप वो खुद का विंडोज सर्वर का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे विंडोज सर्वर के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको लिनक्स के लिए। लेकिन आप अगर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, एक अमेजन वेब सर्विस के क्लाउड पे जा रहे हो, तो आपको लिनक्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अब मैं बता दूं कि इनिशियल के लिए आपको थोड़ी बहुत लिनक्स आना चाहिए और इसके बाद में आपको नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक क्लाउड के प्रोफाइल पे जॉब करना चाहते हो। तो डेफिनेटली सी बात है, जहाँ पे आप 3-4 टेक्नोलॉजी सीख के किसी प्रोफाइल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। मतलब लिनक्स अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड या AWS क्लाउड या किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अराउंड ऑन एन एवरेज आपको जब आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपकी 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी आराम से होगी, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।